नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हमारी एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। जी हां, सामान्य ज्ञान जीके। अभी तक मित्रों हमने सामान्य अध्ययन यानी जीएस के अंतर्गत बड़ी बड़ी चीज़ों को देखा। हमने देखा बड़े स्तर पर इतिहास को, जो कि अभी चल रहा है। हमने बहुत बड़े स्तर पर भूगोल भी प्रारंभ किया है, यद्यपि अभी रुका हुआ है लेकिन स्तर बड़े में है। और रही बात इंग्लिश की, वो बड़े स्तर पर चल ही रहा है। लेकिन मित्रों, हमारे जीवन में सिर्फ बड़ी चीज़ों का नहीं, छोटी चीज़ों का भी उतना ही महत्व है। अदरवाइज़ न केवल ज्ञान के लिहाज से बल्कि परीक्षा के लिहाज से भी हम लोग आउट ऑफ फाइट हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, इसी सब को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी वीडियो का एक श्रृंखला आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको जानना वो आवश्यक है, अति आवश्यक है। जी हाँ मित्रों, जानकारी के लिहाज से भी और परीक्षा के लिहाज से भी। तो आज उसी कड़ी में हम लोग पहली कड़ी में लिए हैं भारत रत्न। जी हाँ, शुरुआत अच्छी चीज़ों से हो। भारत रत्न, मित्रों आपने सुना होगा, सारे लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, हमारे भारत का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है, ये नागरिक अलंकरण है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके नीचे तीन आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और भी चीज़ें हैं। लेकिन भारत रत्न के बारे में जो जानने लायक चीज़ें हैं, जो हो सकता हो आप न जानते हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। पहले तो ये देख लेते हैं इसका रूप क्या है, है ना। जी हाँ, ये अग्रभाग, ये पश्च भाग, ये आगे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग। मित्रों देखिए, ये पीपल का पत्ता है, ठीक है, पीपल का पत्ता। हम लोग रटते तो हैं बट भूल जाते हैं, बट ये प्रैक्टिकली मैंने बना दिया है। तो ड्राइंग कैसा है, मेरे ख्याल से ठीक ठाक बन गया है। तो पीपल के पत्ता, और ये तांबे का है मित्रों, तांबे का पत्र यानी ये है पत्ता, और उसमें ये सूर्य का एक प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, प्लैटिनम का है। ये जबरदस्त धातु होती है और चमकदार होती है, चमकता हुआ ये प्लैटिनम का धातु, और ये तांबे का पीपल का पत्ता, और इसके नीचे भारत रत्न चांदी में लिखा हुआ है। पहले कुछ और था मित्रों, लेकिन ये अब इसका स्वरूप यही है, ये चांदी में है, ये प्लैटिनम में है पूरा सूर्य, और ये तांबे का है। जी हाँ, और ये पीछे वाला भाग, जैसा कि आपको पता है, ये भी वही है, पत्ता तो वही है तांबे का, लेकिन पीछे वाला भाग ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, शोक स्तंभ। जी हाँ मित्रों, आपको पता है कि शोक चिन्ह से लिया गया है ये, सारनाथ के शोक स्तंभ से। तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर सिंह स्तंभ लिया गया है, जो चार शेरों का है, एक तरफ तो दिखता नहीं, तीन ये है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जी हाँ, सत्यमेव जयते, ये 24 तीलियों वाला चक्र सेम सेम उठा कर रख दिया गया, जहाँ जैसे कि हम लोग सिक्के पर देखते हैं और जगहों पर देखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह का सिंह स्तंभ पीछे वाले भाग में, और आगे वाले भाग में ये प्लैटिनम है, चांदी है और तांबा है, ठीक है मित्रों। ये 1954 में प्रारंभ किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अग्रणी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यद्यपि केवल इन्हीं का योगदान नहीं मित्रों, किसी एक के होने से, चाहने से केवल ये नहीं प्रारंभ हुआ, लेकिन हाँ अग्रणी वही थे, अगुआ वही थे, उन्होंने ही इस चीज का मतलब प्रारंभ किया था। तो 1954 में पहली बार जब दिया गया, तो उस समय तीन लोगों को दिया गया था। पहला सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। मित्रों हम इनको राजा जी नाम से जानते हैं, इनको इतिहास में पढ़ेंगे, बड़ा जबरदस्त इनका योगदान है इतिहास में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बहुत अच्छे लेखक भी थे, इनकी दो किताबें बड़ी मशहूर है, महाभारत और रामायण, इंग्लिश में बहुत ही जबरदस्त किताब लिखा है। और तीसरा डॉक्टर सी वी रमन, जो हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया। उस समय कोई मरणोपरांत की बात नहीं थी कि मरणोपरांत किसी को दिया जाएगा, ये हुआ कि जिंदा लोगों को मिलेगा, जिसने लगभग कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य और खेल है, तो कई चीजें, लेकिन ये पांचों मेन है, इसमें जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, जबरदस्त
अपने जीवन का या ये कहिए भारत के विकास के हिसाब से सबसे बेहतरीन योगदान दिया है उनको मिलता है, ठीक है, ये भारत रत्न है। और ये भी ध्यान दीजिए मित्रों कि इसमें कोई भी मुद्रा नहीं मिलता, एक भी पैसा नहीं मिलता है, केवल यही उसका जो प्रतीक है पीपल का पत्ता यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। हाँ, सुविधाएं बहुत होती है। भारत रत्न देखिए 18वें अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारा है उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो भारत रत्न को एज ए उपाधि के रूप में आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आपका पद तो है ये भारत रत्न, उसके साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं। देखिए संवैधानिक रूप से ये अमान्य है, फिर भी तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य और खेल, खेल बाद में जुड़ा है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को मिला, तो इन सब क्षेत्रों में जबरदस्त योगदान जिसका रहा है उसको मिलता है। पैसे बिल्कुल नहीं मिलते, एक भी पैसा नहीं मिलता। हाँ, सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ट्रेन में, प्लेन में, बड़े बड़े जगहों पर, संसद में, हर जगह उनका स्तर ही कुछ और होता है। देता कौन है? राष्ट्रपति देते हैं। तो ये तो हो गया, और शुरू कब हुआ था ये? 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ हुआ था ये, और 1955 में ये कर दिया गया कि इसको मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। मान लीजिए इसके पहले ही कोई गुजर गया हो, जबरदस्त योगदान उनका रहा हो, जैसे महात्मा गांधी जी का, यद्यपि उनको मिला नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो भारत रत्न से भी ऊपर थे, राष्ट्रपिता थे ही, इसलिए कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन हाँ, कुछ लोग आज़ादी के पहले जिनका योगदान जबरदस्त था और जो गुजर चुके थे उनको देने के लिए मरणोपरांत की व्यवस्था की गई कि मरणोपरांत दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं किसको किसको खास खास लोगों को मिला है, ये आप लोग मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति किन किन राष्ट्रपतियों को मिला है। जी हाँ मित्रों, अगर ऐसे देखेंगे तो चूंकि इतने ज्यादा लोगों को मिला है ये, लगभग 44 लोगों को, इतने ज्यादा लोगों को मिला है कि याद नहीं हो पाएगा, बट खास खास लोगों को देख लेते हैं हम लोग। पहले मिले थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, इनको 1954 में मिला, जैसा कि हमने जिक्र किया पहले ही मिला। दूसरा मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने शुरू किया था, अब इनका काल 1950 से 1962 तक था, तो जो ही 1962 में ये रिटायर हुए इनको दिया गया, क्योंकि पद पर रहते हुए लेना थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है, कई लोग तो इनकार दिए। जी हाँ, और कई लोगों को तो मिला, पद पर रहते हुए मिला, तो 1962 में इनको मिला ज्यों ही ये राष्ट्रपति पद से हटे। फिर तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये मित्रों राष्ट्रपति बाद में बने, लेकिन उस समय उपराष्ट्रपति थे जब ये मिला था, इनको 1963 में मिला, और जबकि ये 1967 से 1967 तक ये उपराष्ट्रपति थे, 1967 से 1967 तक उपराष्ट्रपति थे, इनको अगर जब मिला उस हिसाब से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति रहते हुए मिला, लेकिन राष्ट्रपति बाद में बने, ठीक है। और चौथा वीवी गिरी, ये इनको मिला 1975 में मित्रों, ये भी 1969 से 1974 तक, 74 तक ये राष्ट्रपति थे, यानी इनको राष्ट्रपति पद से हटने के बाद इनको मिला वीवी गिरी। और पांचवा हमारे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, हमारे आज के राष्ट्रपति के इतिहास में मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इतना सम्मानित व्यक्ति कोई हुआ नहीं, वो आप अपने ढंग से सोचिए, पर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को मिला था 1997 में। जी हाँ, और इनका कार्यकाल कब तक था? 2002 से 2007, ठीक है, राष्ट्रपति का काल। तो ये 5 राष्ट्रपति थे हमारे जिनको ये मिला हुआ है, ये तो पूरा मैंने बता दिया कि 5 के 5 राष्ट्रपति को मिला हुआ है, ठीक है, आप इस हिसाब से देखिएगा। आप देखते हैं कि किस किस पीएम को मिला है, पीएम को किसको किसको मिला है, प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री को पहले मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित नेहरू को 1955 में ही मिला। अब इनको तो कार्यकाल में रहते हुए, ये प्रधानमंत्री थे उस समय, उस सीजन में मिला, क्योंकि इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1950 से 1964 तक,
64 में इनकी मृत्यु हुई, उसी बीच में इनको दे दिया गया। ठीक है, अब उस पर आप आंकड़ा लगाइए जो भी, कि क्यों इनको मिला, पद पे रहते हुए क्यों लिए, क्यों स्वीकार किए। भाई जरूरी नहीं कि इन्हीं का योगदान हो कि हमको दीजिए, लेकिन बातें उठती हैं। फिलहाल पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में ही मिला जब इनका कार्यकाल था। दूसरा था हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला मित्रों 1966 में। 1966 में ध्यान दीजिएगा क्यों मिला। एक तो ये 1964 से 66 थे, 66 में इनकी मृत्यु की, मात्र 2 साल प्रधानमंत्री थे। ताशकंद समझौता के बाद इनका हार्ट अटैक हुआ कि इनका मर्डर हुआ, अभी भी संदिग्ध है, ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन 66 में इनके मृत्यु के बाद इनको दिया गया, इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। तीसरा मिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में। मित्रों आपको पता होगा कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्णय इतना जबरदस्त था, और कहा जाता है कि उन्हीं के निर्णय की वजह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, तो उसकी वजह से भी इनको दिया गया। और यद्यपि वो पद पर थी लेकिन उनको दिया गया, जो चयन समिति थे उनको ये कहा गया कि नहीं भाई ये उसके हकदार हैं। और इस समय उनका एक कद इतना ऊंचा उड़ गया था कि भारत रत्न उनके लिए जैसे लग रहा था कि नहीं है बना हुआ है। फिलहाल चौथा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इनको मिला था 1991 में। जय मित्रों मोरारजी देसाई जब से भारत आजाद हुआ 1950 से लेकर जब से चुनाव हुआ, या 1952 कहिए आम चुनाव, तब से लेकर के अभी तक कांग्रेसी सरकार थी, पहली बार 1977 से 1980 तक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इनको मिला 1991 में। और उसके बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी इनको भी 1991 में मिला। ध्यान दीजिएगा, खासियत थोड़ा सुनिए, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत दिया गया, जिनको मरणोपरांत दिया गया। ये तो पा ही चुके थे, इनको मरणोपरांत दिया गया, ये जिंदा ही थी और ये भी जिंदा ही थे, इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, राजीव गांधी को, क्योंकि 1991 में जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, 1991 का चुनाव था आम चुनाव, उसी दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी लिट्टे द्वारा, है ना, बहुत से उसमें कहानियां हैं, बाद में देखेंगे हम लोग। तो राजीव गांधी को भी मरणोपरांत मिला। और छठे थे मोरारजी गुलजारी लाल नंदा। मित्रों इनको मिला 1997 में। ठीक है, 1997 में जिस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। इनकी खासियत ये है मित्रों कि अभी तक भारत में पहला कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री हुए थे इनके गुजरने के बाद, मिस्टर नेहरू के गुजरने के बाद यही बने थे पहले कार्यवाहक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के गुजरने के बाद फिर एक बार बने थे ये, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये थे गुलजारी लाल नंदा, इनको 1997 में मिला। ठीक है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री। हाँ एक और 2015 में ये अटल बिहारी वाजपेयी ये इनको मिला 2015 में। अभी इस सरकार ने दिया, इन्होंने अपने कार्यकाल में इनको देने का बड़ा प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि सभी लोग जानते हैं, इनको जानने वाले पक्ष विपक्ष सभी लोग, कि ये कितने जबरदस्त नेता थे, या हैं भी बेचारे, आज पटाक्षेप में हैं, अपने बुजुर्गावस्था में है, लेकिन फिर भी जबरदस्त नेता थे, तो इनको मिलने वाला था, लेकिन उस समय इन्होंने इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि जब विदेश गए थे तो इनको देने का चोरी चोरी प्लानिंग हो रहा था, तब तक वो जान गए और भड़क गए और कहा कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, मेरे कार्यकाल में रहते हुए मुझे राष्ट्रपति सम्मान भारत रत्न दिया जाए, इससे बुरा क्या होगा। बाद में अब जाके इनको मिला है। तो ये हमारे 7 लोग प्रधानमंत्री जिसको मिला है भारत रत्न हमारे। ठीक है, अब देखते हैं कि मरणोपरांत। ध्यान दीजिएगा मरणोपरांत में है तो बहुत लोगों को मिला है, लगभग 13 लोगों को मिला है, 13 लोगों को, लेकिन हम लोग 4-5 लोग जो मेन जानते हैं किसको किसको मिला। पहले तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री, ना लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला सबसे पहले मरणोपरांत, यही थे 1971
66 में, ठीक है। उसके बाद 1990 में मेरा हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन 1990 में भीमराव अम्बेडकर को मिला, ठीक है। भारतीय संविधान के जो निर्माणक व्यवस्था के बड़े ही अग्रणी थे, इनको मिला 1990 में जाके, बहुत लेट मिला लेकिन मिला, ठीक है, उसके हकदार थे ये। तीसरा मिला 1991 में राजीव गांधी को, हमने जिक्र पहले किया। चौथा मिला फिर 1991 में हमारे पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, इनकी भी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन इनका जो योगदान है, चूंकि ये मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो और आपके लिए ज़रूरी हो, बहुत बड़ी कहानी में लेके जाऊँगा फिर वही हो जाएगा 50-60 मिनट का। तो पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को मिला, और सबसे विवादित रहा 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को। जी हाँ, सबसे बड़े हमारे भारत रत्न पाने के हकदार, इनको इतना लेट मिला, उसके कारण क्या है, राजनीतिक आर्थिक जो भी कारण रहा हो, लेकिन 1992 में एक तो किसी ने साबित नहीं कर पाया कि नहीं ये इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई, कैसे हुई। तो परिवार वालों को दो दुख हुआ कि भाई आपने अभी तक साबित नहीं किया कि उनकी मृत्यु हुई कि नहीं, और दूसरी बात कि इतना देर बाद उनको भारत रत्न मिल रहा है, तो उस भारत रत्न की, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर आप देर से न्याय देते तो अन्याय के बराबर हो गया वो, तो बोस को मिला, इन्होंने लौटा दिया। जी हाँ, छठवां मिला अबुल कलाम आजाद जी को, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक ऐसा हमारा मुस्लिमों का नेता, एक ऐसा मसीहा इंसान जो मुस्लिम होने के बावजूद भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जबरदस्त योगदान रहा, और सबसे बड़ी टक्कर रही मोहम्मद अली जिन्ना से। फिलहाल इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि अपने, जब ये पहले शिक्षा मंत्री बने थे उसी समय इनको भारत रत्न देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं, मेरे पद पर रहते हुए ये संभव नहीं है। तो उनको बाद में फिर मिला, कब मिला, 1992 में ही मिला, 1992 में मिला इनको, जिस समय बोस को मिला था। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1998 में हमारे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जी को मिला। जी हाँ, जेपी नारायण आपको पता होगा, बिहार के शेर, अपने जवानी में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल से भागकर फरार हुए, बनारस आए, घूमते घूमते पकड़े गए, मारे पीटे गए, उनके साथ उनको प्रताड़ना दी गई। उसके बाद आज़ादी के बाद फिर इन्होंने एक ऐसा छात्र आंदोलन चलाया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, समग्र आंदोलन चला और इंदिरा गांधी जी के नाकों में दम कर दिया। इंदिरा जी इतना डर गई कि आपातकाल लगाना पड़ा। फिलहाल बहुत बड़ा योगदान है इनका, हम देखेंगे आगे। तो ये हमारे ऐसे लोग हैं, खास खास लोग जिनको मरणोपरांत मिला है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सन ईस्वी सही, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन महिला पाई हैं, महिला क्या मित्रों, तो 1971 में हमारे इंदिरा गांधी है ही हैं, 1971 में इंदिरा गांधी जी हैं। उसके बाद 1980 में हमारे मदर टेरेसा, जी हाँ, थी तो बाहरी लेकिन नागरिकता यहीं की थी, भारत की थी, ये यूगोस्लाविया मूल की थी, अल्बानियाई, तो थी तो बाहरी लेकिन नागरिकता इनको यहाँ के मिल चुकी थी, इसलिए भारतीय इनको माना जाएगा, मदर टेरेसा को मिला। 1997 में मिला अरोड़ा आसफ अली जी को, अरोड़ा आसफ अली, और 1998 में हमारे देश के नहीं पूरे विश्व की एक जबरदस्त शास्त्रीय संगीतकार है ना, सुबालक्ष्मी को, और 2001 में संगीत साम्राज्ञी, सुर सामग्री, या ये कहिए कि सुरों की सबसे बड़ी बेताज बादशाह अगर कहा जाए महिलाओं में, तो हमारी लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी हाँ, ये लोग, अगर इन लोगों को भारत रत्न न मिलता तो शायद जिस प्रकार से आज भी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं मिला है, आज लोग तरसते हैं और कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर से पहले उनको मिलना चाहिए था, यद्यपि सचिन तेंदुलकर हकदार थे लेकिन उनसे पहले उनको मिलना चाहिए था, ठीक उसी प्रकार लता जी को अगर नहीं मिलता, या फिलहाल मिल गया तो कुछ कहने की बात नहीं है, ये हो गया। और अगर ले विदेशी के रूप में, मित्रों छोटा करते करते थोड़े से बड़ा वीडियो हो गया, बट
विदेशी के रूप में अगर लें तो सबसे पहले किसको मिला था, हमारे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अकेले बूते गांधी जी के आदर्शों पर चलकर 29 साल जेल में बिताकर फिर से पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने का उनको सौभाग्य मिला। दूसरे थे हमारे अगर देखा जाए मदर टेरेसा तो सही बात है विदेश की थी तो लेकिन नागरिकता इनको यहाँ की मिल चुकी थी। और तीसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये मित्रों जिनका उपनाम था सीमांत गांधी, है ना, हम लोग इनको बहादुर खान से भी जानते हैं, सीमांत गांधी। इतनी अच्छी इनकी इमेज हो चुकी थी कि इनको गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो पेशावर यानी पाकिस्तान के थे, आज का पाकिस्तान तब तो हमारे एक ही में था। तो उनको मिला पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अब लिखित ऐसा कुछ नहीं है भारत रत्न में कि केवल नागरिक को ही दिया जाए, भारतीय नागरिक को, विदेशियों को भी मिल सकता है। तो ये इनको मिला है सबसे पहले, खान अब्दुल गफ्फार खान को सबसे पहले मिला है, और उसके बाद मिला नेल्सन मदर टेरेसा को, फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला को। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा भारत रत्न पर है छोटा सा वीडियो, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है लगभग वहीं से घुमा फिरा के पेपर में भी आते हैं, प्लस हमारी आपकी जानकारी के लिए भी ज़रूरत है। ठीक है, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस सीरीज में मनमान वीडियो आने वाले हैं, छोटे छोटे वीडियो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, है ना। आप कैसा लग रहा है आप बताइएगा ज़रूर, तभी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है मित्रों, लाइक डिसलाइक आपके हाथ में है, शेयर करिए अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 70% लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके मेंबर बनिए, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। नमस्कार।